दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां की आवो हवा में ही रोमांस यानी इश्क करना है। ये देश दुनिया का वो देश है जहां सालाना सबसे ज्यादा यात्री घूमने आते हैं और साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और आखिर हो भी क्यों ना, ये देश दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और प्यार के लिए जाना जाता है। अब चाहे वो पेरिस शहर का आइफल टावर हो या फिर प्रोवेंस में एक से बढ़कर एक लैंडस्केप के नज़ारे, ये सभी छोटी बड़ी बातें फ्रांस देश की आपकी यात्रा को 100% वर्थ इट बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं फ्रांस देश की इस डिजिटल यात्रा पर। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक और चलिए आगाज करते हैं आज की अपनी इस वीडियो का। दोस्तों, प्यार की नगरी फ्रांस का क्षेत्रफल 6,43,101 किलोमीटर स्क्वायर है। आज भले ही ये दुनिया का 42वां देश हो, मगर आज से तकरीबन एक सदी पहले फ्रांसीसी साम्राज्य दुनिया भर में फैला हुआ था। महान फ्रांसीसी योद्धा और शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने पहली बार फ्रेंच रूल का कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन किया था और आज की डेट में फ्रांस की इंटरनेशनल बाउंड्रीज बेल्जियम, जर्मनी, इटली और लक्सवर्ग समेत 12 अलग अलग यूरोपीय देशों से लगती है। ये देश यूरोपियन यूनियन में शामिल दुनिया भर के कुछ बेहद ही शक्तिशाली मुल्कों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस देश के दबदबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये देश UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। तो वहीं बाकी कई यूरोपीय देशों की तरह यहाँ की आबादी भी कुछ खास ज्यादा नहीं है। लेटेस्ट डाटा के मुताबिक यहाँ महज 6.71 करोड़ लोग निवास करते हैं। इस नंबर के कम या ज्यादा होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के एक राज्य राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है, लाजमी तौर पर फ्रांस से ज्यादा। बहरहाल ये देश निहायत ही डेवलप्ड और अमीर तरीन देश है। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर एक नजर डालें तो कुछ आंकड़े और नंबर्स निकलकर सामने आते हैं। इस देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद सन 2019 में 2.72 लाख करोड़ यूएस डॉलर के बराबर थी, जो दुनिया भर में 7वीं सबसे बड़ी नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसे आमतौर पर क्रय शक्ति भी कहा जाता है, उस लिहाज से ये देश 40,493 यूएस डॉलर के नंबर के साथ 20वीं रैंक पर रैंक करता है। जी हाँ, अब क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश है, इसीलिए इसकी मुद्रा यानी करेंसी यूरो है। आपको बता दें कि एक यूरो की कीमत इस वक्त तकरीबन 90 भारतीय रुपयों के बराबर चल रही है। वहीं अगर इस देश में सेक्स से जुड़े कुछ नियम व कानूनों की बात करें, यहां 18 साल से कम की किसी भी लड़की से सेक्स करना कानूनी जुर्म है। यहां का कानून नाबालिगों से सेक्स करने को रेप यानी बलात्कार की श्रेणी में रखता है और ऐसा करने वालों को यहाँ सालों तक कारावास तक की सजा दी जाती है। हालांकि सेक्स और जिस्म फरोशी को लेकर फ्रांस के कानून हमेशा से इतने सख्त नहीं थे। वहाँ अक्सर सड़कों के बीच और गलियों में कई कपल्स बेहद ही संजीदगी से एक दूसरे को चूमते नजर आ जाते थे, मगर हद तो तब हो गई जब इनमें से कुछ जोड़ों ने खुलेआम सड़कों पर कपड़े उतार कर सेक्स करना शुरू कर दिया और इन्हीं हालातों ने फ्रांस गवर्नमेंट को इन स्ट्रीट सेक्स क्राइम लॉज को बनाने पर मजबूर कर दिया। मगर इसके उलट फ्रांस का कानून 18 प्लस उम्र वाले बालिग कपल को बगैर शादी किए एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन में एक छत के नीचे रहने और बंद कमरे में संबंध बनाने की पूरी मंजूरी देता है। मगर आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि अप्रैल 2016 से पहले तक फ्रांस में पैसों के लिए देह व्यापार करना कानूनन जायज था, मगर अगेन देश भर में बढ़ती यौन हिंसाओं की घटनाओं के चलते मजबूरन फ्रांसीसी सरकार को इस अर्थव्यवस्था के विरुद्ध बिल लाना पड़ा। और अगर आज कोई व्यक्ति इस देश में प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माने और कारावास का प्रावधान है। वहीं अगर फ्रांस की चमचमाती सड़कों
आसमान छूती इमारतों और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप से हटकर इसके कुछ निगेटिव चेहरों पर नजर डालें तो फ्रांस में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। आइए देखते हैं। वेल, अगर आप ब्रंचेस को लेने के शौकीन हैं तो फ्रांस में किसी भी कैफे में जाकर क्विक मील्स को लेना आपके लिए हालत खराब कर देने वाला साबित हो सकता है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जब कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको वहाँ जाते ही कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ता है, मगर फ्रांस में इसका उलट है। आप महज एक सिगरेट पीने के बहाने भी फ्रेंच कैफेस में घंटों बिता सकते हैं। सरप्राइजिंगली वहाँ ऐसा करने वालों को कोई कुछ नहीं कह सकता। कहीं ना कहीं फ्रांस की एक और बात आपको नागवारा गुजर सकती है, और वो है यहाँ के लोगों का अपने आप में ही व्यस्त होना। जी हाँ, यहाँ लोग बिना मतलब के किसी से जरा भी बात करना सही नहीं समझते, और ऐसे में अगर आप घूमते फिरते अपने सफर के हम सफर को ढूंढने के शौकीन हैं, तो यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली भैया, इट्स अ फैक्ट टाइम। जी हाँ दोस्तों, अब बारी है फ्रांस से जुड़े कुछ अनजाने और रोमांचित कर देने वाले रोचक तथ्यों को जानने की। फैक्ट नंबर एक, दोस्तों क्या आपने कभी ये बात नोट की है कि चाहे आप दिल्ली में हो या मुंबई में, घड़ी में वक्त देखने पर एक सेम टाइम ही नजर आता है, और कमाल के इस IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का पूरे देश में एक समान वक्त रखने के लिए एक टाइम जोन को बनाया गया है, और इसी टाइम जोन के तहत पूरे भारत देश का एक वक्त निर्धारित होता है, मगर किसी भी देश में टाइम जोन 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये उस देश के साइज पर डिपेंड करता है। मगर क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश के पास है? इस सवाल का जवाब है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस ही दुनिया का वो देश है जहाँ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूरे 12 अलग अलग टाइम जोन्स हैं। जी हाँ। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों फ्रांस देश एक विस्तृत और इतिहास वाला देश है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी विश्व धरोहर आपको जरूर मौजूद मिलेगी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों फ्रांस को वर्ल्ड की फैशन कैपिटल और ब्यूटी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले इम्पोर्टेंट फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में फ्रांस का शेयर 60% से भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर आप फ्रांस की एक ट्रिप प्लान कर ही रहे हैं तो अपनी बकेट लिस्ट में आईफिल टावर, लवर्स म्यूजियम, पैलेस ऑफ वर्सेल्स, कोर्ट डे अजूर, मॉन्ट सेंट माइकल प्रोवेंस और कैमोनिक्स मॉन्ट ब्लैंक जैसी जगहों का सफर जरूर शामिल कर लें। और इसके साथ ही अगर आप फ्रांस गए और फ्रांस डिशेस के स्वाद नहीं लिए तो आपने क्या ही किया। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रांस की बेस्ट क्यूजिन्स को जानने में तो हो जाइए तैयार, यकीन मानिए इस लिस्ट को देख आपके मुंह में पानी आ जाएगा। फ्रांस में आपको सॉफले ऑनियन, कॉंग आई बिन, कॉसोलेट, बोफे बोरिगियन, चॉकलेट सॉफल जैसी ढेरों अमेजिंग डिशेस खाने को मिल सकती हैं। भले ही इनके नाम अजीब हैं, मगर आप अगर इनको ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अजीब ही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस फ्रांस सफर की यात्रा में बस केवल यहीं तक। मिलते हैं एक और न्यू कंट्री फैक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, बाय।